नमस्कार साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शाहजहाँपुर में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखी है और यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाला अब उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे ही बन जाएगा और इस एक्सप्रेसवे पर एक एयर स्ट्रिप बनाए जाने की भी योजना है। तो समझेंगे कि किसी भी एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनाने के क्या मायने होते हैं और लास्ट में हम समझेंगे कि भारत में और कौन कौन से एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की कुछ खास बातों की। तो ये जो एक्सप्रेसवे होगा उसकी कुल लंबाई होगी 594 और इस एक्सप्रेसवे को बनाने में जो कुल लागत आएगी वो होगी 36,200 करोड़ रुपए और यह लगभग यूपी के 12 जिलों को कनेक्ट करेगा और आप उन जिलों को यहाँ पास आसानी से देख सकते हैं। तो शुरुआत हो जाएगी मेरठ से और अंत होगा यहाँ पास इलाहाबाद में और बीच के आप यहाँ पास 12 जिलों को इस मैप में आसानी से देख सकते हैं। और इस एक्सप्रेसवे पर एक 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई जाने की भी योजना है और इससे पहले यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी एयर स्ट्रिप बनाई जा चुकी हैं और ये इस पर जो बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी शाहजहाँपुर के पास। अब हम समझते हैं एयर स्ट्रिप होता क्या है और ये बनाई क्यों जाती है। तो दरअसल एक्सप्रेसवे पर ही इस तरीके की सड़कों को डिजाइन किया जाता है जिससे भारतीय वायुसेना के जो जेट विमान हैं या फिर जो फाइटर विमान हैं वो आसानी से उतर सकें। और भारतीय वायुसेना को एयर स्ट्रिप इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि आप समझिए जब 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान की युद्ध हुए तो उस समय पाकिस्तानी वायुसेना ने कई बार भारतीय एयरपोर्ट जो हैं उनको टारगेट कर लिया था। तो हो सकता है भविष्य में भी जब युद्ध हो तो उन्हीं एयरपोर्ट को टारगेट में लिया जाए, इसलिए अब एक्सप्रेसवे पर भी इस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं ताकि फाइटर प्लेन को हम आसानी से उतार सकें। क्लियर। अब हम समझ लेते हैं कि और भी कौन से एक्सप्रेसवे हैं भारत में जिन पर काम किया जा रहा है। तो अभी आप समझिए भारत में कुल 19 ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जो पूरी तरीके से ऑपरेशन है, मतलब चालू हैं और इनकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है और जिनमें से अभी जो सबसे लंबा है वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और ये भी कहाँ पे है, यूपी में ही है और इसकी कुल लंबाई है 341 किलोमीटर और इन पर अधिकतम जो स्पीड हो सकती है जो फोर व्हीलर है उनकी 120 किलोमीटर पर आवर और जो टू व्हीलर है उनकी हो सकती है अधिकतम 80 किलोमीटर पर आवर। और गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हैं उनके अलावा इंडिया में बहुत से एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं जो भविष्य में गंगा एक्सप्रेसवे से बहुत लंबे होंगे। आप देखिए जो सबसे लंबा इंडिया का होगा वो होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसकी कुल लंबाई होगी 1350 किलोमीटर और यह लगभग मार्च 2023 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप दूसरा देखें तो ये है अमृतसर से जामनगर जो एक्सप्रेसवे है वो, इसकी कुल लंबाई होगी 1257 किलोमीटर और ये भी मार्च 2023 तक ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर है पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई है 745 किलोमीटर और यह 2023 और 24 में बनकर तैयार हो जाएगा। फिर है एक मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, इसकी कुल लंबाई होगी 701 किलोमीटर और इसका काम लगभग हो ही गया है। फिर है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई होगी 687 किलोमीटर और ये दिसंबर 2023 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। फिर है वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे, इसकी कुल लंबाई होगी 650 किलोमीटर और यह भी 2023 और 24 में बनकर कंप्लीट हो जाएगा और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। फिर है पठानकोट अजमेर एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई है 600 किलोमीटर और यह मार्च 2024 में कंप्लीट हो जाएगा। फिर है गंगा एक्सप्रेसवे जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, वो मेरठ से प्रयागराज को कनेक्ट करेगा और इसकी कुल लंबाई है 594 किलोमीटर और यह दिसंबर 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी बन जाएगा।